बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं एहसान खट्टक और आप देख रहे हैं बखबर नेटवर्क। बखबर नेटवर्क में हम आज बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस की वबा जिस तरह पूरे दुनिया में फैल गया और साथ साथ मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को भी इसने अपने लपेट में ले लिया और ये वबा मुख्तलिफ शहरों तक फैलता गया। ये वबा हमारे बन्नू शहर तक जा पहुंचा, जहां पर मुख्तलिफ लोग इसके निशाना बन गए और इस वायरस की वजह से वो अस्पतालों में पड़े हैं, जबकि कुछ अमवात भी वाकया हुए हैं। कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ इलाके बंद हो गए, शहर तमाम शहर ठप होकर रह गए, शटर डाउन हो गए, पहिया जाम हो गया। तमाम तर जिंदगी की जो जिंदगी अशुबहाय जिंदगी जिसे चलती है वो तमाम तर उमूर ठप होकर रह गई। इन हालात में मुंतहिब नुमाइंदगान का क्या किरदार रहा? बन्नू से 4 MPAs और 1 MNA 12 लाख आबादी के शहर ने मुंतहिब किए हैं। क्या इन मुंतहिब नुमाइंदगान ने उसी तरह अपने अवाम की खिदमत की है जिस तरह उन्होंने अपने वोट से इन लोगों को मुंतहब किया है? इसी हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है बन्नू प्रेस क्लब से सदर प्रेस क्लब मोहम्मद अलम खान, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सलाम बिताब साहब और नौजवान सहाफ़ी मोहम्मद नुमान खिताब साहब। आप तीनों मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत पर मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप तीनों मेहमानों का, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप वो तमाम तर हालात आज हमें बताएंगे, आवाम तक पहुंचाएंगे, जो पोजीशन है ग्राउंड पे, जो हकीकत है ग्राउंड पे, मुंतहिब नुमाइंदगान का जो किरदार है, ज़िली इंतज़ामिया का जो किरदार है, वो आज हम अपने प्रोग्राम की वसातत से आपकी ज़ुबानी हम आवाम तक पहुँचाएंगे ताकि उनको पता चले कि बन्नू में क्या हो रहा है और इन लोगों ने जिन लोगों को मुंतहब किया है वो उनके लिए किस किस्म के इकदाम उठा रहे हैं। जी बताइएगा, अपने अपने ख्यालात का इजहार करें। जी 4 MPAs हैं लेकिन अभी तक हमने उसको इस पर नहीं देखा है कि जहाँ पर ये गए हुए कि राशन दिया हो या मास्क दिया हो या अपने हल्के के में दिहाड़ी मार के देखा हो कि हमारे हल्के में गुर्बत कितना है और गरीब इस इतना गरीब गुर्बत है कि सुबह होती है तो दूसरे दिन नहीं होते कि उस दौरा करें और उसकी मालूमात ले लें। और 4 MPAs साहबान हैं और 1 MPAs और MNA को अभी तक हमने देखा नहीं है कि अपने हलके का दौरा करें और इस गरीब और इस मुश्किल घड़ी में हम अपनी आवाम के साथ खड़े हों और जितना इनसे हो सके उनके साथ कर लें। और बन्नू के और भी बहुत साहेब जायदाद और साहेब बहुत अमीर लोग हैं, उनको भी मैंने नहीं देखा है, उनसे भी मैं बन्नू के अमीर लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आपके खैरात भी होंगे, सदके भी होंगे, ज़कात भी होगा। ये सुबह निकल आते हैं, शाम को जाते हैं, वो दिहाड़ी मार होते हैं, घर में बीमार होते हैं। इस मुश्किल घड़ी में आप बन्नू अवाम के साथ खड़े हो जाएं और फिर भी जब बाद में इलेक्शन में आप जाएंगे तो सुरखरू हो जाएंगे। अभी इस मुश्किल घड़ी में आप खड़े नहीं होंगे और अभी फिर इलेक्शन में आप जाएंगे तो क्या कहेंगे आप? मेहरबानी होगी बन्नू के साहिब जायदाद और मुंतखब नुमाइंदों से हम अपील करते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ शाना। बन्नू में हालात है वो काफ़ी गंभीर है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केस जो है वो सामने आए हैं। मुखैरा हजरात की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ीदार हैं या ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई जो है वो इंतहाई कम है, उनके साथ मुखैर हजरात की तरफ से कोशिशें तो जारी हैं। लेकिन जहाँ तक मुंतखब नुमाइंदों का ताल्लुक है तो यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे जो है वो अभी तक मेरी नज़र में ऐसी कोई एक्टिविटी जो है वो नज़र नहीं आई है कि मुंतखब नुमाइंदे जो है उन्होंने वो किया हो। यहाँ से एक कौमी असम्बली का के मेंबर कौमी असम्बली है, साथ ही 4 सूबाई असम्बलियाँ हैं, मिनिस्टर भी हैं इसमें, लेकिन इनकी तरफ से कोई ऐसी एक्टिविटी मुझे नज़र नहीं आई जिसे अप्रिशिएट किया जा सके या जिसे ये कहा जा सके कि अवाम ने उनको जो इतमाद दिया था, जो वोट दिया था,
उसके बदले में वो इस मुश्किल घड़ी में आवाम के पास आए हैं। मुझे तो ये भी पता चला है कि जितने भी ऐसे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो उन्होंने ख़ुद को कोरोना की वजह से हकूमती पॉलिसी करार देते हुए ख़ुद को क्वारंटाइन किया हुआ है। क्वारंटाइन के नाम पे वो अलग बैठे हुए हैं और इन सरगर्मियों में आम लोग जो है वो तो पेश पेश हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो मुझे नज़र नहीं आए। चाहिए तो ये कि ऐसे अवकात में ये अपने लोगों के पास जाएं, लोगों के दुख दर्द में शरीक हों। कल को इन लोगों ने दोबारा इन्हीं आवाम से जो आज मुश्किल में है इनसे वोट इन लोगों ने लेना है। तो जब कल को ये लोग इनके पास जाएंगे तो मेरे ख्याल में उनके पास जवाब नहीं होगा कि उस मुश्किल वक्त में वो वक्त होता है कि हम जाएं और उन इन लोगों की मदद करें। हमने देखा कि मुहैयर हजरात, इसी तरह कुछ सोशल वर्कर्स हमने देखे कि वो बहुत बहुत एक्टिव रहे इस दौरान, जो कि एक एक या डेढ़ महीने का जो अरसा हमने गुजारा, जिन हालात में हमने गुजारा वो तो हम सब जानते हैं कि किस तरह के हमने मुश्किलात का सामना किया। तो इस दौरान हमने कोई भी मुंतहब नुमाइंदा नहीं देखा। बनू में तकरीबन 5 मुंतहब नुमाइंदे हैं, जो कि एक MNA है और 4 सूबाई MP है, सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं। इनमें से हमने कोई भी नुमाइंदा जो है वो हमने नहीं देखा जो कि आवाम के पास गया हो। इन्हीं आवाम ने उनको वोट के ज़रिए मुंतहब किया है। इंतहाबात के दौरान यही जो मुंतहब नुमाइंदे हैं ये जाते थे आवाम के घरों में, हर घर और हर दरवाज़े पे वो दस्तक दिया करते थे वोट लेने के लिए। लेकिन जब वो मुंतहब हो गए और आज ऐसी मुश्किल ऐसा मुश्किल दौर जो है आ गया है जिसका हम सामना कर रहे हैं, आवाम जो है वो सामना कर रही है, तो इस दौरान हमने कोई भी मुंतहब नुमाइंदा नहीं देखा जो कि जिसने उस दिहाड़ीदार तबके को जो कि लॉकडाउन की वजह से मुतासर हुआ है उन तक कोई राशन पहुँचाया हो या कोई कैश पहुँचाया हो। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, सदर प्रेस क्लब मोहम्मद अलम खान, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब अब्दुलसलाम बिताब साहब और जॉइंट सेक्रेटरी नौजवान सहाफ़ी मोहम्मद नुमान साहब आज हमारे साथ शामिल थे इस प्रोग्राम में। और नाजरीन, जिस तरह आप लोगों ने सुना, उन तमाम की बातें आप लोगों ने सुनी कि वो मुंतहब नुमाइंदगान जिन्होंने इन्हीं अवाम ने मुंतहब किया है और इस जगह तक इन्हीं अवाम ने पहुंचाया है, लेकिन आज जो मुश्किल घड़ी है, मुश्किल हालात है, आज कोई मुंतहब नुमाइंदा बनू के अवाम के साथ इस दुख दर्द में शरीक नहीं है। किस नज़र से, किस वसात से ये लोग कल दोबारा जाएंगे और इस आवाम से वोट का मुतालबा करेंगे। चाहिए तो ये था कि जो मुंतहब नुमाइंदगान हैं, 4 मेंबर सूबाई असम्बली और 1 कौमी असम्बली, इनको चाहिए था कि इस दुख दर्द में आवाम के साथ शरीक हो, क्योंकि इन्हीं आवाम ने अपने मसाइल मुश्किलात के हल के लिए और मुश्किल वक्त में इनका साथ देने के लिए इन्हीं लोगों ने इन लोगों को मुंतहब किया था। लेकिन अफसोस कि आज वो लोग मैदान पर मौजूद नहीं हैं। ये भी कहा गया कि सियासी नुमाइंदगान जो हैं उन्होंने ये बहाना बनाकर कोरोना वायरस का अपने आप को क्वारंटाइन बना दिया है ताकि अवाम से वो दूर रहें, जबकि अवाम प्रेस, पुलिस, पाक आर्मी और डॉक्टर साहबान जो हैं वो ग्राउंड पे हैं, वो लड़ रहे हैं, वो अवाम की खिदमत में पेश पेश हैं। लेकिन जो मुंतहब नुमाइंदगान हैं जिनको इस ग्राउंड पे मौजूद होना चाहिए था वो गायब है आज स्क्रीन से। किस मुंह से, किस आंखों से आप दोबारा इन अवाम के पास जाएंगे और अवाम से वोट मांगेंगे? ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने गहबान।